की जिम्मेवार हमारी पुलिस व्यवस्था को संभालने वाले यहाँ के थाना प्रभारी जी, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और इस संकट की घड़ी में अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए जो चिकित्सा कर्मी पूरे मानवता की सेवा के लिए हम सबके बीच में कार्य कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनके अभिनंदन के स्वरूप हम एक मिनट के लिए करतल ध्वनि करेंगे। माननीय जिला संघ चालक जी एवं अन्य कार्यकर्ता बंधुओं, ये एक मिनट की करतल ध्वनि ये तो केवल एक सम्मान का सूचक है। इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार से हमारे चिकित्सा कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी और स्वच्छता कर्मी जिस मनोयोग से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो वास्तव में अभिनंदन के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। आज मयूर विहार जिला के कार्यकर्ता भगवान बुद्ध की जयंती की, महात्मा बुद्ध जयंती की पूर्व तैयारी में जिस प्रकार से ये रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, ये वास्तव में उस बड़े यज्ञ में एक छोटी सी आहुति ही है। यहाँ जो सज्जन रक्तदान करने आए हैं वो रक्तदान करके अपने घर चले जाएंगे, परंतु चिकित्सा कर्मी, सुरक्षा कर्मी और सेवा कर्मी, उनकी सेवाएं दिन रात समाज को मिल रही है। कोरोना की संकट की घड़ी में जब सारी दुनिया इस महामारी की चपेट में है, हमारा देश भारत बहुत मजबूत इरादे के साथ इस संकट से संघर्ष कर रहा है। आज भी भारत इस महामारी से लड़ने में दुनिया के कई देशों की तुलना में बहुत अच्छे से सफल हुआ है। उसके कई कारण हैं, जैसा मैंने एक निवेदन किया, जिनके सेवाओं के कारण हम ये संघर्ष को जारी रखे हुए हैं, उनका समर्पण और कार्य के प्रति उनकी निष्ठा, परंतु इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारतीय समाज की मानसिकता, वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण हम इस लड़ाई में, संघर्ष में बहुत संभल कर सारे समाज को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एक मित्र विदेश में रहते हैं, वो बता रहे थे कि वहां का समाज अगर सरकार सहयोग ना करे, अगर प्रशासन सहयोग ना करे, तो शायद वहां की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। पर हमारे देश में सरकार और प्रशासन के साथ साथ एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहा है। क्यों? उसके पीछे हमारे जीवन मूल्य हैं, हमारी संस्कृति है। हमको सबको बचपन से ही घरों में सिखाया गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो,
इसलिए दुनिया के देशों में जहां जहां कोरोना फैला है वो सब सरकार के ऊपर आश्रित है, प्रशासन पर आश्रित है, और जहां ये आंकड़ा बढ़ा है वो सरकार को कोस रहे हैं। पर महात्मा बुद्ध की धरती भारत, यहाँ का समाज अपनी भूमिका निभाने के लिए बिना किसी दबाव के अपने स्वयं की प्रेरणा से आगे आकर के अपनी सेवाएं दे रहा है। हम सब ने देखा 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू था तो झुग्गी से लेकर के महल तक एक एक हिंदुस्तानी ने थाली बजा करके इस युद्ध में अपनी मानसिकता को, अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। और 24 मार्च से लेकर आज तक ये जो लॉकडाउन सफल हुआ है उसका बड़ा कारण समाज ने इसको मन से स्वीकार किया है। ये पूरे देश का लॉकडाउन ये किसी सरकार के दबाव में नहीं है, किसी प्रशासन के, किसी सजा के, किसी डंडे के दबाव में नहीं है। हर भारतीय को लगता है कि मेरी ये जिम्मेवारी है, मुझे ये करना चाहिए। इसलिए दुनिया के शांति की कामना करने वाला भारतीय समाज, सबके सुख की इच्छा रखने वाला हिंदू समाज, इस देश का एक एक बच्चा इस महामारी में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है, और वो तत्परता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर कोने में, अमीर से लेकर गरीब तक, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक, शहरी से लेकर ग्रामीण तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, एक एक हिंदुस्तानी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। इसलिए हम सबको पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ही इस महामारी के इस संकट से बाहर आ जाएंगे। आज जो रक्तदान करने कार्यकर्ता आए हैं, बंधु आए हैं, हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। हमारी बहनें भी आज यहाँ रक्तदान करने आए, वो जो अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आई है वो भी हमारे सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनता है। मैं सबका अभिनंदन करता हुआ, महात्मा बुद्ध की जयंती की शुभकामनाएं देता हुआ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हम सब भारतीय एकजुट होकर, सारे देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट की घड़ी में अपनी भूमिका निभाएंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका प्रशिक्षण यह है कि अपने स्वयं की प्रेरणा से समाज के लिए सेवा करने वाला है, संघ का कार्यकर्ता जिसको ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना प्रतिफल चाहिए, ना अभिनंदन चाहिए, उसको तो चाहिए कि मेरा देश कि दुनिया का सिरमौर बने। जिसको चाहिए, उसको चाहिए कि मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक समाज के लिए अपनी भूमिका निभा सकूं। ऐसे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता समाज को साथ में लेकर के इस संकट की घड़ी से अपना देश और समाज जल्दी बाहर निकलेगा, इतनी शुभकामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।